मुझे सच में दिखाई नहीं देता कि राम तेरे लिए कितना करते हैं। हाँ मानती हूँ कि वो कुछ छोटा मोटा नहीं करते, जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, धूमधाम से करते हैं, लेकिन यार ये उनका स्टाइल है, रिच लोगों का स्टाइल है। अब इस बात के लिए हम उन्हें सूली पर तो नहीं चढ़ा सकते ना। मेरा बस चलता ना तो चढ़ा देती। रहने दे, तू ऐसा कुछ नहीं करती, बड़ी बड़ी बातें तेरी, तू तो उल्टा उनके साथ गाने गाती, देखा है मैंने होली पे, मुंह मत खुलवाऊं। मैम। ओह थैंक यू, थैंक यू। प्रिया मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू राम की फीलिंग्स को समझे। तुझे पता है जब तू हॉस्पिटल में थी, जब तेरा एक्सीडेंट हो गया था, राम ने मंदिर के इतने सारे चक्कर काटे कि पुजारी खुद बोलने लगे कि भैया असली भगवान तो आप ही हैं। और पता है मुझे ये भी पता चला है कि राम आजकल एस्ट्रोनॉमी और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों कुछ मूवी के लिए जाने वाले थे, राइट? क्या? हाँ। अरे वो बेचारे कितना चाहते हैं तुझे यार, मतलब तेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तेरे लिए वक्त निकालते हैं, हमेशा तेरे साथ वक्त बिताते हैं। अरे वो तो चाहते कि दिन में 20 बार तुझे कॉल करे, लेकिन डरते हैं कि कहीं तू डांटेगी, गुस्सा करेगी, तो इसलिए नहीं करते। पत्नी व्रता पति है राम, बिल्कुल उनके नाम के जैसे। हर रोज तू उनके सामने एक नया चैलेंज रखती है और हर रोज वो चैलेंज जीत के दिखाते हैं, फिर भी मेरी बहन उनके सामने अपना दिल नहीं हारती, क्यों? सारा दी ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कपूर मुझसे पहले यहाँ आकर गए हैं और आपको ये सब बातें बोलकर गए, सब कुछ उनकी प्लानिंग होगी मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने, तुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता, मुझ पर भी नहीं। मुझे नहीं बात करनी तुझसे, जाने। अच्छा सॉरी। नहीं बात करनी मुझे तुझसे। सॉरी ती, मैं बहुत डर गई हूँ। इधर आ, कम है। मैं जानती, डोंट वरी। तो बस एक काम कर, सैंडी को फोन कर और पता लगा राम कहाँ है और उनसे जाके मिल। राम, काम वाम का सब सीन सॉर्टेड है, मुझे बता यार ये प्रिया ने क्या बोला? अपसेट है यार, बहुत ज्यादा अपसेट। चल चल एक काम कर, तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक आइडिया है, प्रिया को मैं जाके बोल देता हूँ कि मैंने ही बोला था ये सब करने। नहीं हाँ नहीं, दादी भी यही कह रही थी, लेकिन नहीं कर सकते हैं। क्या करे राम, मैं प्रिया को इन्वॉल्व करूँ क्या? प्लीज उसके पास तो बिल्कुल मत जा दो। अरे देख, आई नो यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, मुझे ही सॉर्ट आउट करना होगा। बात कोई और होती तो प्रिया ऐसे रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये वो मेरे ही एक, वो अपने पिता के करतूतों से जोड़ रही है। इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक यार। आई कैन अंडरस्टैंड यार, ये वेदिका अंदर वेट कर रही है तेरा। बात करनी होगी उस प्रिया के लिए भी और शिवी के लिए भी। राम अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? हमारे बारे में। हमारे बारे में क्या राम? तुम भूल गए उस रात मैंने तुमसे एक बात। ओके, आई नो उसके फौरन बाद तुम्हें मुझे घर से जाने के लिए बोलना पड़ा राम, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया। कहीं ना कहीं तुमने ये इस डर से किया कि कहीं अक्की शिवी को छोड़ ना दे। राम मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानती हूँ, तुम औरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो, मुझे भी, अपने प्यार को भी। बट आई नो हाउ मच यू लव्ड मी। मैं ही पागल थी, बेवकूफ थी एक्चुअली, जो मैं समझ नहीं पाई और तुम्हारे प्यार की खतरे नहीं की मैंने राम। पर गलती तो सबसे हो जाती है ना, जैसे आज तुमसे होने जा रही है। और राम वो अक्की, तुम्हें क्या लगता है वो बहुत सच्चा और शरीफ है? तुम्हें पता है उसने मेरे मुंह पे मुझे धमकी दी कि वो अपनी जिंदगी में अपनी बहन से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करता है, उसकी बहन जैसा उसके लिए कोई और है ही नहीं, और इसीलिए मुझे वो वीडियो तुम्हें भेजना पड़ा। मुझे नहीं, प्रिया को। तुमने वो वीडियो प्रिया को भेजा भी देखा राम? वो वीडियो में नहीं, वन सेकेंड राम, मैंने वो वीडियो में तुम्हें भेज रही थी। क्या ब्लंडर कर दिया मैंने, गॉड उसने देखा तो नहीं ना वीडियो। मैं प्रिया को देखने भी नहीं दूंगा। हाँ नहीं ठीक है, तुम सही कह रहे हो, यही सही है। हम प्रिया से छुपा कर रखना ही ठीक है कि अक्की हमारे बारे में क्या सोचता है, तुम हमारे बारे में क्या फील करते हो,
देखा, मैं जो भी बोलूंगा ना वो तुम्हारे मुंह पे बोलूंगा। क्या हुआ ये क्या हुआ मिस्टर कपूर? तुम क्यों चिल्लाई? क्योंकि मुझे डर लगता है। आप क्यों चिल्लाए? क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा डर लगता है। अरे पप्पा क्या कर दिया यार मैंने, तुम्हारी मदद मांगी, तुमने अपनी सवारी भेज दी। ओके शुक नहीं क्यों जाऊँ? क्यों मतलब आप घर के मर्द हैं, बिया मैं भगाइयो। एक सेकंड रुको। हर बार तो तुम्हारी बात होती है कि औरत और आदमी सेम बराबर होते हैं, मतलब वो फेमिनिज्म और सब झंडे गाड़ती रहती हो। अभी जान जोखिम में डालनी है तो आदमी को मारो। अरे मिस्टर कपूर चूहा है, शेर थोड़ी ना, जाइए। अरे अरे शेर से डर नहीं लगता मुझे, मेरी बीवी शेरनी है पता है। चूहे होते हैं ना छोटे वाले, वो फुसक के कहीं भी घुस सकते हैं, मुझे डर लगता है अंदर। आपने क्या बिना नाड़ी का पजामा पहना है जो डर रहे अपना? जाइए प्लीज उसको भगाइए प्लीज। सूट पे मिस्टर कपूर भगाइए प्लीज उसको भगाइए। अरे 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 डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। एक सेकंड भैया इधर आ जाओ। हाँ आओ ना। अरे मैं हूँ। अरे शीश यहाँ मत आ दूर रह, मेरी बात सुन। मैं राम कपूर, ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बांद्रा, ओके। आ जाओ। कोई नहीं कुछ नहीं। आप मुझसे क्यों लिपट रहे हैं? मैं वेदिका नहीं हूँ। अरे ताना मार रही हो, वो भी वेदिका, मतलब मारो पर है इस चूहे को, मारो ना यार, क्या गुस्सा सब इस पे निकालो तुम। निकालो जाओ। अच्छा एक काम करो, अपना जो सारा गुस्सा है ना अंदर लो, उसको ना बाहर निकालो, और फ्रेश एनर्जी और ऑप्टिमिज्म और सब हाँ वो अंदर डालो। ओके तो इन आउट। निकलो, जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से बाहर जाओ। गेट आउट। उस दिन तो बंद बेटर लगा हो तुम? काफी डर गई थी तो मैंने कर दिया उसे। तुम्हारा फोन बज रहा है शायद। आपका है? हाँ मेरा है। साला ने फोन क्यों किया अभी? भाई ये तो तेरे वेडिंग हॉल वाला हाल हो गया यार, मिल ही नहीं रहा। तूने जानबूझ करके गलत एड्रेस दिया ना, ताकि हम लोग ऐसे ही गोल गोल घूमते रहे और रिंगा इनका रोजेस खेलते रहे। नहीं पर अब लगता देना चाहिए था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।